हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हमजा पीरजादा और आप देख रहे हैं पीआरजेटीडी। गाइस सबसे पहले तो आप लोग से एक्सट्रीमली सॉरी कि मैं इतने टाइम से जो वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, तो उसका रीज़न आप सबको ही पता है कि मैं क्यों वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के कॉन्सेप्ट की। तो आज का कॉन्सेप्ट जो है वो बाइक एडिटिंग का है, व्हीलिंग वाली जो है। तो मैं पहले भी एडिटिंग कर चुका हूँ बाइक के ऊपर, तो ये थोड़ी सी उससे सेम ही है, लेकिन इसमें मैंने कुछ डिफरेंट ट्राई करा है कि मैंने इसमें व्हीलिंग पोजिशन जो है बाइक की वो उसमें मैंने करा, तो काफ़ी टाइम लग गया था मुझे इसमें बनाने में। तो आप लोग आई होप कि आपको इसमें भी कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा, कि अगर आप लोग अपने खुद के कॉन्सेप्ट बनाएंगे तो उसको भी आप आसानी से बना सकते हैं। तो वीडियो ऑलरेडी बहुत ज्यादा बड़ी है, तो चलिए विदाउट वेस्ट टाइम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गाइस आप लोग मेरी इस पिक्चर को जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और आप लोग को यहाँ पे जो है हैंड अपने और जो है अपने लेग्स आप लोग को फोकस करना है, इस तरीके से आप लोग को रखना है। अच्छा, राइट हैंड जो आप लोग को थोड़ा सा नीचे की तरफ को करना है, ठीक है, जितना नीचे होगा उतना ज़्यादा बेहतर है। और यहाँ पे उसका आप लोग बैकग्राउंड रेज कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप लोग अपने शूज़ जो है वो लीव कर सकते हैं, जितना मैंने करा है रेज उतना कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग को सेकंड पिक्चर जो है इस तरीके से लेनी है। अच्छा, इसमें जो चीज़ फोकस करनी है वो आप लोग को शूज़ फोकस करने हैं, शूज़ आप लोग को इस तरीके से नीचे से दिखने चाहिए। उसके बाद आप लोग सिंपल बैकग्राउंड रेज कर लेंगे और इतना कर लीजिएगा जितना इसमें मैंने करा हुआ है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर पिक्स स्टार्ट में जो है बैकग्राउंड ओपन करेंगे, तो इस तरीके के बैकग्राउंड बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। खैर, बन चुका है ये। तो अब यहाँ पे आप लोग को ड्रॉ टूल में जाना है, और ड्रॉ टूल लेने के बाद यहाँ पे लेयर्स में जाएंगे, और यहाँ पे फोटो लेयर में जाके आप लोग को एक बाइक है वो ऐड करनी है, ठीक है। तो ये मैंने BMW की यहाँ पे बाइक जो है थोड़ा सा मैंने इसका डिज़ाइन करा था। तो यहाँ पे आप लोग को इसको सिंपल कुछ भी क्रॉप नहीं करना है, एज इट इज़ आपको यहाँ पे डन करना है। और डन करने के बाद ये जिस पोजीशन पे होगी आप लोग को इसको वहीं पे रहने देना है, ठीक है। तो आप लोग देखें इस तरीके से यहाँ पे पोजीशन पे आपको यहीं रखना है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे एम्प्टी लेयर सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे आप लोग प्लस फोटो में जाके अपनी जो मॉडल इमेज है आप लोग सिंपल वो ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपनी मॉडल इमेज ऐड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं क्रॉप कर लेता हूँ क्योंकि इसको मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको डन कर दूंगा। अब यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से जो है आप लोग को पता है कि यार एक इसको सिट करना है मुझे वहाँ पे, तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसको सिट कर दिया, ठीक है, परफेक्ट पोजिशन पर। उसके बाद एम्प्टी लेयर मैंने यहाँ पे एक्यूरेट कर ली, और उसके बाद जो है अब यहाँ पे जो मेरी सेकेंड इमेज थी वो यहाँ पे मैं फोटो लेयर में जाके यानी फोटो प्लस फोटो में जाके ऐड करूँगा। तो यहाँ पे मैं सिंपल वो ले लेता हूँ, और इसको भी कोई मुझे क्रॉप नहीं करना है, एज इट इज लेके इसको यहाँ पे डन कर दूंगा। उसके बाद आप लोग को इस तरीके से यहाँ पे लगाना है, ठीक है। आप लोग को फुट रेस की तरफ को थोड़ा यहाँ पे ख्याल करना है, ठीक है, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। तो देखें फुट रेस यहाँ पे आप लोग अभी दिखेंगे, तो यहाँ पे मैं इसकी जो है ऑपेसिटी यहाँ पे कम करता हूँ। तो यहाँ पे ऑपेसिटी में देखें यहाँ पे 25% रखने के बाद यहाँ पे आप लोग फुट रेस दिख रहा है, ठीक है, इतना आप लोग को रखना है, इसके ऊपर आना चाहिए अपना आपका शूज़। और उसके बाद आप लोग यहाँ से इसको रेस करेंगे, जो भी फुट रेस है वहाँ से आप लोग उसको सिंपल रेस करेंगे। तो यहाँ पे ब्लर वाला ब्रश है, और यहाँ पे ऑपेसिटी 100%, साइज़ यहाँ पे 15% मैंने करा हुआ है, और यहाँ पे फुट रेस की तरफ से सिंपल मैं यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से इरेज कर लीजिएगा, और यहाँ पे आप लोग जब इरेज कर लें उसके बाद आप लोग यहाँ पे इसकी ऑपेसिटी भी वापसी से 100% कर दीजिएगा। तो यहाँ पे 100% ऑपेसिटी में कर देता हूँ। अब यहाँ पे जो एक एम्प्टी लेयर सॉरी इसका भी जो है मेरा जो हैंड यहाँ पे दिख रहा है बाइक के पीछे का, तो इस वाली मॉडल इमेज को सेलेक्ट करके जो पीछे मेरा हैंड दिख रहा है मैं यहाँ पे सिंपल इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है, वरना तो ऐसा लगेगा कि मेरा हाथ जो है हवा में जा रहा है और मैंने बाइक का जो है हैंडल पकड़ा हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो सिंपल मैंने यहाँ पे इसको इरेज कर दिया। और अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम शेडो बनाएंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना है, एम्प्टी लेयर यहाँ पे हमें प्लस फोटो में जाके एम्प्टी लेयर ऐड करनी है, और इसको हम सेकंड नंबर पे ड्रैग कर देंगे, ठीक है। और अब यहाँ पे कलर देखिए हमारा ब्लैक वाला सेलेक्ट है, और अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। और इतना जूम करने के बाद यहाँ पे मैं ब्रश यहाँ पे अब ब्रश सेलेक्ट करूँगा, तो ब्रश यहाँ पे ऑफिस यहाँ पे जो है मैं वो ब्लर वाला लूँगा, और यहाँ पे ऑबिसिटी 10% है, साइज़ यहाँ पे 72% करने के बाद ओके। और यहाँ पे आप लोग को सिर्फ थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग को शेडो क्रिएट करना है, अगर हो सके आप लोग ब्लैक पैंट पहन लीजिएगा ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ब्लैक पैंट मैं आप लोग को रिकमेंड करता हूँ, नहीं है तो आप लोग फिल्टर में आके कर सकते हैं। तो अब ये जो मैं कर रहा हूँ ये आप लोग के काम की चीज़ नहीं है, मतलब इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है हेयर के पीछे का जो बैकग्राउंड है कैसे रेस करना है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा, इसके ऊपर वीडियो बनी हुई है। तो यहाँ पे सिंपल मैं डन कर दूंगा, ठीक है। डन करने के बाद यहाँ पे अब जो है मुझे इफेक्ट्स में जाना है, तो यहाँ पे मैं इफेक्ट्स में जाके थोड़ा सा टूल्स में जाने के बाद एडजस्ट में जाना है, ठीक है, सॉरी मैं यहाँ पे इफेक्ट बोल रहा था। तो अब इसके बाद जाने के बाद आप लोग को जो है यहाँ पे ब्राइटनेस जो है 37% करनी है, और यहाँ पे हाईलाइट है जो है आपको 34% रखने का, रिजल्ट लेके इन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे मैं डॉज इफेक्ट दे रहा हूँ, तो आप लोग को फर्स्ट आप लोग क्या करना है, देखिए साइज़ आप लोग 28%, और यहाँ पे ऑपिसिटी और हार्डनेस 15% रखने के बाद इस तरीके से सिंपल आप लोग ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जो आप लोग की जॉ लाइन्स हैं वहाँ पर, ठीक है। तो हर हर किसी की जो है फेस और जॉ लाइन जो है डिफरेंट होती है, तो यहाँ पे देखें मेरी जिस तरीके से मैंने यहाँ पे दे दी, इस तरीके से आप लोग को एक टफ में देना। उसके बाद आप लोग यहाँ पे उसका ही 25 यानी 20% हार्डनेस और ऑपेसिटी रख के लाइटनेस आप लोग साइड में कर सकते हैं। तो अगर आप लोग को इसके ऊपर इसके बारे में और जानना है तो मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है, आप लोग को जाके देख लें, आप लोग को ज़्यादा आसानी होगी, उसमें मैंने एक एक डिटेल में बताया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने कहा चलो आप लोग को थोड़ा इजी टिप दे देता हूँ, इस तरीके से मैंने आप लोग यहाँ पे करके दिखा दी। अब ये जो है मैं अपने हैंड में और लेग्स में दूंगा, एड्रेस में नहीं देना चाह रहा, ठीक है, यहाँ पे सिंपल डन कर दूंगा। तो अब यहाँ पे थोड़ा जो है ब्राइटनेस को थोड़ा कम कर लेता हूँ मैं,
तो यहाँ पे ब्राइटनेस मैंने 23% रख दी, तो यहाँ पे बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हैं, थोड़ा ग्लो आ जाता है इस वजह से मैं करता हूँ। यहाँ पे सिंपल डन करूँगा। अब ठीक है, डन होने जाने के बाद जो है मुझे यहाँ पे जाना है 8 फोटो में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 8 फोटो में चला जाता हूँ। 8 फोटो मैंने के बाद यहाँ पे PNG मैंने क्रिएट करी हुई है, जो है स्मोक की, जो है टायर स्मोक जो है वो सिंपल यहाँ पे आप लोग सिर्फ कट एंड पेस्ट, यानी समझ लें कॉपी पेस्ट वाला वर्क है। तो यहाँ पे आप लोग इसको यहाँ पे ऐड करेंगे और यहाँ पे इसको ब्लेंड टू स्क्रीन कर लेंगे पहले। तो यहाँ पे सारा वर्क मैंने आपका ऑलरेडी करके रखा हुआ है इस वाली PNG में, सिर्फ आप लोग को यहाँ पे बाइक की तरफ को यहाँ पे सिंपल लगाना है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने बना दी थी ये, ताकि आप लोग को ज़्यादा वर्क करना ना पड़े, तो मैंने यहाँ पे आप लोग का आधा काम आसान कर दिया। अब यहाँ पे आप लोग को दोबारा से 8 फोटो में जाना है, और यहाँ पे जो है आप लोग को एक थोड़े वापसी से एक और ऐड करना पड़ेगा, ये सेकंड वाली जो है इसको भी आप लोग को ऐड करना है। तो ये एक तरीके से समझ लें वाटर टाइप है ये। तो आप लोग को यहाँ पे जो है इसको अपने हैंड की तरफ को लगाना है, पहले ब्लेंड टू स्क्रीन कर लेंगे, उसके बाद आप लोग अपने हैंड की तरफ को उसको लेके जाएंगे सिंपल यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे इरेजर लेंगे, इरेजर लेने के बाद जूम कर लेंगे यहाँ पे सिंपल, और यहाँ पे ऑपेसिटी हार्डनेस 50-50% रख के, यानी सॉरी 30% रख के दोनों चीज़ें। उसके बाद लाइटली आप लोग नीचे से थोड़ा सा इरेज कर देंगे, साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेगा ताकि आप लोग के लिए इजी हो। उसके बाद आप लोग यहाँ पे ऑपेसिटी हार्डनेस 50-50% रखेंगे, और उसके बाद साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेंगे 25% रखने के बाद। यहाँ पे आप लोग सिंपल थोड़े से यहाँ पे देंगे, तो सही है, ठीक। ये समझ लें मेरे फिंगर्स की तरफ से जो है वो ज़्यादा मूव हो रहा है, तो इस तरीके से मैंने ये मैंने कॉन्सेप्ट थोड़ा सा करा था। अब आप यहाँ पे इसको डन कर देंगे। अब यहाँ पे हाँ, आप लोग अगर लोगो यहाँ पे जो है मैं एक फ़ोटो जो क्या क्या कहते हैं सॉरी यहाँ पे फ़ोटो है उसकी स्मोक की, वो ऐड कर लेते हैं। कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ क्योंकि मुझे समझ नहीं आता मैंने यहाँ पे इस टाइम क्या करा था। तो यहाँ पे देखेंगे मैंने सिंपल ऐड कर लिया स्मोक को, और ये अगर आप लोग ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप लोग इसको लीव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे लगा लेना चाहिए, तो मैंने लगा लिया। और सिंपल अब यहाँ पे जो है लोगो लगाएंगे, ठीक है। तो ऐड फोटो में जाके यहाँ पे मैं लोगो सेलेक्ट करता हूँ अपना, तो यहाँ पे मैं व्हाइट वाला अपना लोगो लूँगा, और लोगो के बारे में भी नहीं पता कैसे बनाते हैं, तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है। तो यहाँ पे सिंपल इस तरीके से मैंने लगा दूंगा, और यहाँ पे मैं सिंपल डन कर दूंगा। और उसके बाद इफेक्ट में जाके थोड़ा ब्लर कर देता हूँ अपनी पिक्चर को, यानी थोड़ी फेस की तरफ को ब्लर कर दूंगा ताकि वो स्मूथ हो जाए मेरा फेस। तो ठीक है, यहाँ पे ब्लर वाला इफेक्ट लिया मैंने, और इनवर्ट करने के बाद जो है सिंपल यहाँ पे ब्रश लूँगा मैं, थोड़ा फेस की तरफ को करना है मुझे, क्योंकि सब जो भी आपकी कोई पिक्चर देखता है वो सबसे पहले उसका जो फोकस जाता है आप लोग के फेस पे जाता है, तो उसको आप इसलिए थोड़ा सा स्मूथ कर लिया करें। तो यहाँ पे मैं सिंपल कर रहा हूँ, आप लोग में ज़्यादा लोगों को पता ही होगा, इसलिए मैं ज़रा फास्ट फॉरवर्ड में करके बता रहा हूँ। हाँ, आप लोग जो है ये अपने डॉज इफेक्ट बिल्कुल भी यूज़ नहीं करिएगा। और ब्लर का जो है मैंने जो है 3% रख लिया था, उसके बाद यहाँ पर सिंपल डन। तो यहाँ पर पिक्सआर्ट का वर्क खत्म हो चुका है। यहाँ पर ड्रॉ टूल में जाके मैं इसको 3 डॉट पर टैप करके यहाँ पर सिंपल सेव इमेज कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको सेव इमेज कर लेता हूँ, उसके बाद कलर ग्रेडिंग के लिए मैं इसको ओपन करूँगा लाइट रूम में। तो ठीक है, तो अब हम यहाँ लाइट रूम में चलते हैं। तो यहाँ पे लाइट रूम में मैं वाली अपनी इमेज को ओपन करूँगा, ठीक है। तो लाइट रूम में इमेज ओपन होने के बाद जो है अब आप लोग को सिंपल यहाँ पर आना है, और यहाँ पर आप लोग को कंट्रास्ट जो है 17% सॉरी -4% यहाँ पे कंट्रास्ट करेंगे आप लोग। उसके बाद हाईलाइट जो है आप लोग प्लस में करेंगे +7। उसके बाद जो है यहाँ पे शेडोज़ में आएंगे, और शेडोज़ आप लोग को सिंपल यहाँ पे प्लस में 29, और यहाँ पे इस तरीके से ब्लैक्स में आना है। तो ये ब्लैक्स जो आप लोग को करना है प्लस में 17, या आप लोग इसको कर सकते हैं 18 या 17, जो भी आपको समझ में कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग को +4 टेम्परेचर करना है, या 5 कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग को टिंट जो है यहाँ पे +9 करना है। इसके बाद विब्रेंस भी यहाँ पे +9 करना है। और अब मुझसे यहाँ पे जो एक मिस्टेक होगी, ठीक है, सेचुरेशन में, वो आप लोग को बता दूंगा आप लोग क्या करना है। तो यहाँ पे देखें सेचुरेशन मुझसे क्या हो गया कि मैंने यहाँ पे -14 कर दी, लेकिन आप लोग यहाँ पे -7 करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप लोग को क्लियरिटी यहाँ पे आपको थोड़ी सी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्लियरिटी आप लोग को करनी है +14 या +13 कर सकते हैं आप लोग। उसके बाद ग्रेन यहाँ पे आप लोग हमेशा 10 करा करें, उसके बाद साइज़ इसका 0% कर दिया करें। अब मुझे आना ऊपर स्प्लिट टून में, ठीक है। अब स्प्लिट टून में जो है आप लोग को ह्यू और जो है इसकी सेचुरेशन फर्स्ट वाले की जो है ह्यू आप लोग को यहाँ पे करनी है 162, और यहाँ पे जो है सेचुरेशन 2 करनी है उसकी, ठीक है। अब यहाँ पे जो है शेडोज़ वाले की इसकी जो है आप लोग को करनी है ह्यू 190, और यहाँ पे जो उसकी सेचुरेशन 27, ठीक है। तो यहाँ पे बैलेंस आप लोग कर लेंगे 70 या 69, जो आप लोग को यहाँ पे मिल जाए आसानी से आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे 70% करने के बाद बैलेंस यहाँ पे मैं इसको डन कर दूंगा, ठीक है। अब डन हो जाने के बाद यहाँ पे हम मिक्स में आएंगे, जो कलर्स में हमको मिलेगा। तो यहाँ पे ऊपर हम मिक्स में चले जाते हैं। मिक्स में आने के बाद यहाँ पे सिंपल अपनी जो है मैं फेस की सेचुएशन थोड़ी कम कर रहा हूँ, यानी ऑरेंज कलर की। तो यहाँ पे -12 कर ली थी। उसके बाद हम जो मैं सबसे मेरा फेवरेट जो है यहाँ पे प्रोफाइल में आने के बाद आर्टिस्टिक 08 यहाँ पे आप लोग को यूज़ करना है। तो यहाँ पे सिंपल मैंने लिया, इसको मैं कर लूँगा यहाँ पे, यहाँ पे मुझे इसको करना है 40-50%, या आप लोग यहाँ पे 47% यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे 46% मैंने कर लिया इसको, और यहाँ पे मैं इसको सिंपल डन कर दूंगा, ठीक है। अब डन करने के बाद जो है आप लोग को यहाँ पे जो ऊपर जाके
सेलेक्टिव यहाँ पे आपको ऐड करना है, यहाँ पे स्क्वायर वाला सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा शेडोज बनाने के लिए मैं सिंपल यहाँ पे कर रहा हूँ, तो आप लोग देखें जैसे कि मैं इसके ऊपर पूरी वीडियो बना चुका हूँ कैसे आप लोग को इसको यूज़ करना है। तो अगर आपको नहीं पता कैसे करते हैं तो आप लोग सिंपल उसकी वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ वर्क नहीं था, सिर्फ एक्सपोजर यहाँ पे -1.19। तो ठीक है, अब ये मैंने आप लोग को बताया था सेचुएशन कम करने का, तो ये मैं यहाँ पे इसको फिक्स कर रहा था। तो अब देखें यहाँ पे हमारी पिक्चर रेडी हो चुकी है, बिफोर एंड आफ्टर यहाँ पे आप वर्क देख सकते हैं। तो आप लोग इसको इस तरीके से फिर सेव कर लेंगे। आई होप आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में बता दिएगा, और अगर करें तो मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर से टैग कर दिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में लगा तो जब तक रखा गया, खुदा हाफिज़।